माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रासर में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जेईई मेंस का एग्ज़ाम लिखे होंगे या लिख रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि क्या कट ऑफ होगा, कितने मार्क्स में क्या रैंक हो सकता है। मैं आज वीडियो आपके लिए इसी के ऊपर लेके आया हूं। पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि अगर आप इतना स्कोर करने जा रहे हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक ये होने जा रहा है। मान के चलिएगा आप एक एवरेज जो आपको बनाया गया है, जो स्कोर कार्ड मैंने एक एवरेज रैंक का रेंज बनाया है, वो लास्ट 4 ईयर का एनालिसिस करने के बाद ये रेंज बनाया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम लिखा होगा, अगर मैं कटअप की बात कर लूँ थोड़ा सा, तो जो ओवरव्यू मुझे अभी तक स्टूडेंट्स के मिले हैं, उस ओवरव्यू के बेसिस पे पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसा ही था जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर था। कोई बहुत टिपिकल पेपर नहीं था, थोड़ा सा मैथ का पेपर स्टैंडर्ड था। अदरवाइज अगर आप इन कंपैरिजन देखें तो पेपर का स्टैंडर्ड नियरली सेम रहा। और अभी 2 दिन और भी बाकी हैं, देखते हैं अगला पेपर क्या होता है। मैं भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिव्यू लेने के बाद ये बात बता रहा हूँ। और जो आंकड़ा मिल रहा है, अगर पेपर का स्टैंडर्ड वही है, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ नियरली आपके पास प्लस माइनस 5 मार्क्स के रेंज में रहेगा, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा था। उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं लग रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एग्जाम दिया, आपको एक एनालिसिस हुआ कि मैं 100 मार्क्स ला रहा हूँ, मैं 200 ला रहा हूँ, मैं 300 ला रहा हूँ, मैं 340 ला रहा हूँ, तो हमारा ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकता है। मैंने लास्ट 4 ईयर का एनालिसिस, जेईई रैंक का एनालिसिस करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्कोर करते हैं जेईई मेंस में 305 से 360 के रेंज में, अगर आपका स्कोर है इन बिटवीन 305 टू 360 अगर आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो एक स्टार रैंक है। आप स्टारडम अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक स्टार की क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक आपका 1 to 100 होने जा रहा है। अगर आप 250 से 304 के रेंज में हैं, अगर मार्क्स का रेंज आपका ये आ रहा है, तो आपका रैंक 101 से 1000 के बीच में है। आप ये मत समझिएगा कि सर मैं 1000 तक जा रहा हूँ तो मेरा जेईई एडवांस में क्या पोजीशन होगा। बिल्कुल नहीं सोचिएगा, 1000 रैंक वाला भी 1 रैंक हो सकता है। जेईई एडवांस अलग पैटर्न है और जेईई मेंस अलग पैटर्न है, राइट। अगर आप 225 से लेकर 249 के रेंज में जा रहे हैं, तो आपका रैंक का जो रेंज होगा जेईई मेंस का, वो 1001 से 3000 नियरली आपका चलेगा। मैं स्लाइट फ्लक्चुएशन हो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली 4 साल का एनालिसिस जो मैंने किया उसमें देखा कि रेंज इन बिटवीन सफ़र कर रहा है। और अगर आपका रेंज 175 से 199 मार्क्स होता है, तो आपका रैंक 5501 से लेकर आपका 10000 तक रैंक जाएगा। मतलब आप ऑल इंडिया रैंकिंग में 10000 के अंदर रहेंगे। अब 10000 के अंदर लाने के लिए कम से कम आपको 200 के अंदर मार्क्स लाना है। मतलब अब 200 मार्क्स लाने की कोशिश करना है आपको, ताकि इससे बेहतर रैंक आपका हो सके। अगर 150 से 174 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो आपका जो रेंज बनेगा वो बनेगा 10001 से लेकर 35000 तक ऑल इंडिया रैंक आपका आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपने कैसा एग्जाम लिखा है, आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, कितना नेगेटिव होने की संभावना, एक एनालिसिस आपके दिमाग में चल रहा है, आपने प्लस माइनस कर लिया है। अब एक रैंक का एनालिसिस आप यहां से देख सकते हैं आराम से कि मैं क्या स्कोर के साथ क्या रैंक लाने जा रहा हूं। अगर आप 125 से 149 के बीच स्कोर किए हुए हैं, तो 35001 से लेकर 95000 तक आपके रैंक आने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर 100 टू 124 स्कोर कर रहे हैं आप इसके बीच में, तो 95001 से लेकर 160000 के बीच में आपका ऑल इंडिया रैंक होने जा रहा है। एक रैंक का मैपिंग आपने माइंड में कर लीजिए, क्योंकि नियरली यही रैंक इस साल एग्जिस्ट करने वाला है। तो आपने जगह जेईई मेंस लिखा है या लिख रहे होंगे, एक एनालिसिस आप कर लेना कि क्या होने जा रहा है, कितना रैंक होने जा रहा है मेरा, कितना स्कोर में क्या रैंक होगा ऑल इंडिया रैंक, ये आपके माइंड में एक प्रेडिक्शन चलेगा। और अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत अगर कमियां रही होंगी, तो सेकंड फेज में आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। एक एनालिसिस रहेगा कितना मार्क्स मुझे लाना है अगर इस रैंक के बीच हमें जाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा।